नमस्कार, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम प्रिंस कट ब्लाउज के फ्रंट पार्ट का स्टिचिंग करेंगे। जैसा कि आपने हमारे पहले वीडियो में इसका बैक नेक डिज़ाइन, टीयर ड्रॉप बैक नेक डिज़ाइन के नाम से हमने इसमें इसका फर्स्ट पार्ट का स्टिचिंग का वीडियो हमने डाला है। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे सभी डिज़ाइंस और स्टिचिंग कटिंग का वीडियो आपको मिल जाए। और यदि हमारा काम आपको पसंद आता है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलिए इसमें स्टार्ट करते हैं। ये फ्रंट पार्ट है। फ्रंट पार्ट में ये नेक में हम बुकरम लगाएंगे, पाइपिंग लगाएंगे और ये जो अपना बस्ट राउंड है वो हम इसमें अटैच करेंगे और इसमें कॉलर लगाएंगे। इस प्रकार से इसमें लेस लगाएंगे। तो हम ये जो हमारा है वो सेकेंड पार्ट है स्टिचिंग का। हमारे अगले पार्ट में आप इसको पूरा, इसका आस्तीन और ये पूरा पूरा जो है सिला हुआ आप उसमें पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसमें इस प्रकार का, ये लगभग 1.25 इंच का बकरम है, गले के हिसाब से कटिंग कर लें। क्या है, सभी चीज़ें आपको एक साथ YouTube पर या वीडियो में बताना नहीं हो पाएगा, इसलिए इसको हम अलग अलग पार्ट में, छोटे छोटे पार्ट में करके आपको अच्छे से समझाने का कोशिश किया है। आशा है आपको पसंद आए। तो चलिए सिलते हैं। जैसे आपको ये बुकरम कटिंग का है तो उसका हम अलग वीडियो डाल देंगे, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो बिना टाइम ये किए इसको सिलते हैं। चलिए, इसके लिए सर्वप्रथम ध्यान देना है आपको, ये सेंटर पॉइंट है और ये सेंटर पॉइंट। जितना इंच ऊपर आपको जितना रखना है उतना, लगभग आधे इंच के ऊपर आप रखिए। और ये जो नोक है वहाँ पर, ये सेंटर को, ये सेंटर है यहाँ हमारा कोने का, उस पर रख दीजिए। और ये जिस प्रकार ऐसे निशान लगा है, पहले तो ये बुकरम को इसमें सिलेंगे। ये इस प्रकार से रखते हुए जो लाइन हमने खींचा है उसका बिल्कुल बाहर से, इस प्रकार से लाइन से बिल्कुल लगा हुआ आप इसको रखते जाइए और इसका सेंटर बना करके फिर सिलना है। ये देखिए, यहाँ पर ध्यान देना है, ये राउंड है यहाँ पर, तो थोड़ा सा यहाँ पर कपड़े और अपनी बुकरम का ध्यान रखें। ये इस प्रकार, ये जो मेन सेंटर है उसका भी ध्यान रखना है। ज़रा भी आगे पीछे खिसकने पर ये डिज़ाइन जो है वो सही नहीं आ पाता है। अब इसको चेक कर लेते हैं, ये सही नाप में है कि नहीं। इस प्रकार इसका सेंटर बनाइए, ये ऐसे, और इसको करेक्ट करके देखते हैं। तो अपना ये बुकरम जो है वो सही सेट हो गया। अब इसका हम इसमें पाइपिंग लगाएंगे। बुकरम लगाने से पहले यहाँ से इसकी कटिंग कर देते हैं। बिल्कुल बुकरम का आगे से कट करना है इसको।
मुझको पाइपिंग जो ये आपका बुकरम है उसी के ऊपर मुझको पाइपिंग लगाना है इसको सेम पैक करते हुए, इसलिए मैं सिलाई जो है इसमें मार्जिन ना रखते हुए इसी के ऊपर लगाना है। सेम उसी प्रकार से उल्टे साइड को अंदर रखना है और बिल्कुल ये जो लाइन में है आपका डोरी पाइपिंग उसी के ऊपर सिलते जाना है। ये देखिए यहाँ पर जो कट का निशान है उतना ही आपको इधर लेना है और इसको इस प्रकार रखते हुए फिर पूरे आप ये में सिलाई लगाइए। थोड़ा यहाँ पर दिक्कत आती है इसमें, इसको ध्यान से करना होता है। अब आधे इंच का अंदर में इसको कपड़े को दबाना है। और यहाँ पर इस प्रकार से ये बिल्कुल सेम है। फिर इसको उठा करके अब यहीं से सीधा तिरछा कर दीजिए ऐसे। ये राउंड नहीं है, यहाँ पर नोक जैसे बनाना है इसलिए हम यहाँ पर मोड़ेंगे नहीं ना इस प्रकार से फोल्ड लेंगे। सीधा अपने कपड़े और अंदर का ध्यान रखते हुए इसको इसी प्रकार ये पूरे में इसी प्रकार से सिलाई लगाना है। अब ये जो है एक्स्ट्रा है इसकी छटाई कर देते हैं इस प्रकार से। ये इस प्रकार आपका पाइपिंग लग गया, देखिए यहाँ पर से ये धागा निकल गया है, इसको फिर से सिल लेते हैं। अब ये बुकरम को इसमें इस प्रकार से सिल देंगे। सीधा इधर पलट करके इसको ये इस प्रकार से पूरे राउंड में यहाँ तक इसको इस प्रकार ऐसे कवर करके इसको सिलना है। ये कोना है, ये कोना वाला हिस्सा उसको सीधा ले लें पहले। ये यहाँ पर है, ये इस प्रकार से जैसे कि दिख रहा होगा ये कोना है, इस प्रकार इसको सीधा लें। ये धागा छूट गया है, इसको ठीक कर लेते हैं बकरम इसमें। इसको पैक करने के बाद इसको इस प्रकार सीधा करके ये यहाँ पूरे कॉर्नर में ऐसे सिलाई लगाना है बिल्कुल यहाँ पर। कपड़ा इधर खींचते हुए हल्का सा ये पूरे राउंड में इसी प्रकार से सिलाई लगाना है। अब ये जैसे यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर नोक है इसलिए उलट रहा है ऐसे इस प्रकार से, तो इसको क्या करना है इस प्रकार ऐसे कट लगा देते हैं ताकि ये नीचे फिट बैठ जाए इस प्रकार से। ऐसे अब देखते हैं इसको सीधा करके ये थोड़ा सी ये इस प्रकार से ये बनेगा। अब इसमें हम बस्ट का बाजू लगाएंगे, हम ये बस्ट अपना पॉइंट है जहाँ पर उसको जोड़ेंगे। तो पूरा इसमें ये इसका सिलाई लगाएंगे जैसे अस्तर और ये मेन फैब्रिक है और आपका अस्तर है
उसको एक साथ ज्वाइन करने के लिए सिलाई लगा देते हैं। कच्चा सिलाई भी कर सकते हैं हाथ से, तो ये मैंने यहाँ पर मशीन से सिलाई किया हुआ है। तो इसको क्या कर दें, जैसे इस प्रकार से फोल्ड आता है कभी कभी कपड़े में, ये दिक्कत बहुत आती है, तो इसको खींच करके इस प्रकार से ऐसे तोड़ दें, बीच बीच से हल्का सा ऐसे तनाव दे करके ये वाला धागा जो है उसको तोड़ दें बीच बीच से, ताकि ये बंधा भी रहेगा और ये खुल जाएगा। ये इस प्रकार से जैसे यहाँ से बन रहा है, ये जैसे आप देख रहे हैं ये इस प्रकार से। तो चलिए इसको सिलते हैं सीधा कर करके। आधा इंच अंदर कपड़ा लेते हुए इसको दबा देंगे। अब ध्यान रखना है जहाँ पर हमारा ये बस्ट पॉइंट है, वहीं पर जो ये वाला बस्ट पॉइंट है जो अपना बाजू का, उसको भी इसी में इस प्रकार कर देंगे। ये ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, इसका खास ध्यान रखें। यहाँ पर ना खींचे, मैं इसको ढीला छोड़ू, ना ही यहाँ पर ढीला करना है और ना ही यहाँ पर ज़्यादा तनाव देना है। अब जहाँ पर आपका आर्म होल आएगा वहाँ पर थोड़ा सा आधा इंच से लगभग एक पॉइंट के हिसाब से यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा ले लें। यहाँ पर जैसे इधर को हमने आधा इंच दबाया है, तो यहाँ पर हमको एक पॉइंट ऊपर करके यहाँ ज़्यादा दबाना है, थोड़ा सा हल्का सा ये बाजू के पास यहाँ पर। तो ये जो है अपना आर्म होल का जो शेप है वो सही आएगा। ये इस प्रकार से ये इस प्रकार से ऐसे पफ का यहाँ पर निर्माण होगा। यहाँ पर इस प्रकार से ये चोली बन जाएगा। तो देख लेते हैं इसको, अब दूसरे को भी इसी प्रकार से सिलना है। ये दोनों सिल गए हैं, अब इसको देखते हैं। ये थोड़ा सा भी नया सिलाई है इसलिए इस प्रकार से आएगा। ये ऐसे पफ का निर्माण ये करता है। यदि आपको ज़्यादा यहाँ पर पफ चाहिए तो आप नीचे को भी थोड़ा और इसको एक्स्ट्रा दबा सकते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है आप पूरा उतना ही लें जितना ये आप कटिंग में किए हैं, तो इसमें मैं उतना ही ले रही हूँ। और इस प्रकार से इसको सिलना है। ये इस प्रकार ऐसे ये सिलाई हो गया। अब इसमें जैसे कि आप देख रहे हैं अभी भी इसमें ये इस प्रकार से पफ का निर्माण नहीं हुआ है, ये जैसे यहाँ पर इस प्रकार। तो इसको आपको थोड़ा एक्स्ट्रा और चाहिए यहाँ पर, तो इसमें क्या करना है, जो ये है हमारा उसमें जहाँ से हमने ये बस्ट वाला ये हमने ज्वाइंट किया है, वहाँ से इस प्रकार करके जैसे टक्स बनाते हैं वैसे एक इंच का चौड़ा लेकर के जैसे इसको एक इंच ऐसे लेकर के इस प्रकार से, और ऊपर 4.5 इंच पर ये इस प्रकार से निशान लगा करके इसको तिरछा ऐसे टक्स बना देना है और इसको सिलाई लगा देनी दोनों तरफ। तो ये जो आपका पफ जो है वो करेक्ट शेप में आ जाएगा। इसको सिल के बताती हूँ, जैसे इसको सिलते हैं। इसी में मशीन को उल्टा करके इसको इस प्रकार से करके कपड़ा को सीधा वापस और सिलाई लगा दें। ये इस प्रकार से अब नीचे हम पट्टी लगाएंगे। ये पट्टी हम वैसे आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, इसमें लगा करके हम जो यहाँ पर शोल्डर को जॉइंट करेंगे बैक और फ्रंट पार्ट का, और इसमें कॉलर को अटैच करेंगे। इसको उल्टा करके जो दिख रहा है उसमें हल्का सा यहाँ पर कटिंग कर देते हैं। ये इस प्रकार बराबर कर लेंगे, ये इस प्रकार से ये साफ हो जाएगा। ये हमारा जो है पफ वो है इस प्रकार से ये बनेगा।
अब इसमें बैक और फ्रंट पार्ट को एक साथ इसको जॉइंट करेंगे। तो इसके लिए क्या करें, जैसे ये हमने जॉइंट किया है वैसे इसको पहले इधर आर्म होल है ना, वहाँ से इसको मिला लीजिए इस प्रकार से, और इसको पकड़ करके यहाँ से आधे इंच का सिलाई दे दीजिए। सिलाई और पक्का कर देते हैं इसमें। अब जो एक्स्ट्रा है उसकी कटाई कर देते हैं। इधर भी इसी प्रकार से अब इसमें हम कॉलर लगाएंगे। तो ये कॉलर का सेंटर देखते हैं, दोनों तरफ इसको ऐसे जॉइंट करेंगे फिर ये सेंटर बनाएंगे। तो यहाँ पर कॉलर का सेंटर रहेगा। अब इसको सीधा कर देते हैं। कॉलर को इस प्रकार रख करके इसका भी सेंटर बना दीजिए। ये इस प्रकार से यहाँ पर कट लगा देते हैं। अब ये बिल्कुल ये जो अपना ब्लाउज का सेंटर है और इसको मिला करके इसको कॉलर लगाएंगे हम। ये बीच में इसको पहले सिलाई करेंगे, उसके बाद इधर आधी सिलाई करेंगे, फिर इधर आधा सिलाई करेंगे। अब इसमें कॉलर को अटैच करेंगे। तो ये दो भाग है जैसे दिख रहा है, ये बुकरम है और एक ये है। तो इसको दो अस्तर हैं और ये अपना कॉलर है दोनों तरफ। तो इस प्रकार इसको रखते हुए ये सेंटर है और ये वाला सेंटर वहाँ पर बिल्कुल ऐसे रख दीजिए, और जितना आपका बकरम है उसी के नीचे बिल्कुल ऐसे कपड़े को भी आधे इंच और इसको भी आधे इंच लेकर के, आधे इंच से भी कम लेकर के फिर इसको सिलाई लगाना है। तो सिलते हैं इसको। जितना आपका आगे एक तरफ से आपका अस्तर आ जाए उतना इसको ले आइए। यहाँ को थोड़ा सा खोलना है तो पहले खोल लेते हैं। ये इसको खोलने के बाद ऐसे अंदर ऐसे दबाते हुए बुकरम को थोड़ा सा हटा करके इस प्रकार ऐसे आधा इंच लेकर के थोड़ा इसको साफ कर देते हैं। सेम इसी प्रकार से इधर भी सिलाई करनी है। अब मैं ये दूसरे साइड की सिलाई कर रही हूँ कॉलर की। तो सबसे पहले ये सामने का जो है आपका जो राउंड ऐसे इस प्रकार से आता है कॉलर का, उसको पहले इधर ऐसे और बिल्कुल इसको आधा इंच का कपड़ा अंदर रखते हुए थोड़ा यहाँ पर दिक्कत आती है कॉलर लगाने में, मेन यही चीज होता है।
लेते हैं ये ठीक है कि नहीं। तो ये कलर इस प्रकार से सिलाई होगा। ये जो कपड़ा दिख रहा है उसको कट कर देते हैं। ये इस प्रकार से सफाई से इसको कट करना है। देख लेते हैं इसको ये सही सिलाई हुआ है कि नहीं। तो ये ठीक है हमारा। ये इस प्रकार से ये कॉलर जो है, अब इसको क्या करना है, ये अंदर में जिसको हमने ये अंदर ऐसे सिलाई किया हुआ है यहाँ पर, देख लेते हैं इसको ठीक है कि नहीं। हल्का सा यहाँ पर ये टक सा आया है। यही मेन चीज़ होता है आपसे ये ना हो, इसका ध्यान रखें। इसका क्या उपाय है, इसको क्या करते हैं हम, इसको सीधा ऐसे खींच करके पहले तो इसकी सिलाई निकालते हैं। अब इसको इस प्रकार से ऐसे राउंड में पूरे इसमें इस प्रकार से कट लगा देंगे। डबल इसमें बकरम होंगे इसलिए यहाँ पर थोड़ा कट लगाना दिक्कत हो रहा है। इस प्रकार से